डियर सब जगह है क्या हो रहा है। ऑल राइट रिक्स्टर्स, पहली बार बहुत टाइम के बाद आई एम व्लॉगिंग एक्चुअली। आई एम काइंड ऑफ आउट ऑफ प्रैक्टिस पर आई एम एट द एयरपोर्ट राइट नाउ एंड एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप विच आई एम गोइंग टू डू। अभी हम जाने वाले हैं गेस वेयर, जापान, टोक्यो, मेरी सबसे फेवरेट सिटी जनरली इन द वर्ल्ड। बाली भी है बट टोक्यो ये बहुत ही अच्छी सिटी है, मैं गई हूँ करीबन 2-3 साल पहले, आई डोंट नो। सो अभी मैं वहाँ जाऊँगी और या गाइस समथिंग रियली रियली कूल मैं करने वाली, जो तुम लोग को पता चलेगा। आई एम गोना बी डूइंग अ टीवी शो, जापान में एक टीवी शो फॉर NHK जो कि है जापान का लीडिंग नेटवर्क, तो उसके लिए मैं अभी जाने वाली हूँ एंड आई एम नॉट गोना गो अलोन। तो लेट्स रिवील कौन मेरे साथ आने वाला है जापान, विच इज रश्मि। ओह माय गॉड जापान, that was a very cute entry Rashmi. Yeah. It was very cute. So anyway, so हम दोनों जाने वाले हैं जापान टोक्यो में। हम लोग वहाँ रहने वाले कितनी देर के लिए रश्मि? दो हफ्ते के लिए। दो हफ्ते के लिए। You and me in Japan. Going crazy in Japan, huh? Already going crazy. Okay, so हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट है। एक्चुअली मैं कुछ एडिट कर रही थी और अभी रश्मि मुझे बोल रही है कि निकलो 10 मिनट्स है बस बोर्डिंग के लिए। एंड सो या जस्ट वेरी लेट। आई थिंक रश्मि वुड बी वेरी अपसेट अगर हम ये फ्लाइट मिस करें। इवन हिट मी नाउ, वेरी गुड। ओके चलो अभी लेट्स होप वी वोंट मिस द फ्लाइट। सो लिटरली हम लास्ट है, लिटरली। प्लीज कैन यू टेक माई, can you say hi to the camera please? He doesn't want to say hi. Rashmi is saying hi. आपको hi करने के लिए बोल दिया। Sir, sir. Hi. दे बोला ना अभी। Thank you so much. Okay, we have to go. Okay, we're late. Okay, let's go. Okay. Passes वापस दिखाना। आप hello बोलेंगे? Hello. Hello. See, so sweet. हाँ. Thank you. Ignore तो नहीं किया। थैंक यू सो मच। मेरा किधर है? साथ में है सब, सब अपना साथ में है यार। चलो निकलो, हम लोग सच में कोई भी नहीं हमारे पीछे। मेरा फकिंग पासपोर्ट गिर गया। मेरा पासपोर्ट यार मुझे क्या हो रहा है, सॉरी, ये कुछ बहुत लास्ट मिनट हो रहा है। ऑल्सो आई थिंक एक्साइटमेंट कि मैं ब्लॉग इतने दिनों बाद कर रही हूँ, है ना रश्मि? रश्मि इज ऑल्सो थिंकिंग आई एम आउट ऑफ माई माइंड नाउ। वो तो पता चला, वो तो हमेशा से हूँ मैं। बैठी हूँ मैं बिजनेस क्लास में, ऐसे NHK ने मुझे बिजनेस क्लास दिया है एंड इट्स एक्साइटिंग बिकॉज मैं एक्चुअली हूँ ANA जापान का जो फ्लाइट है एंड आई एम सिटिंग फर्स्ट टाइम इन बिजनेस क्लास। काइंड ऑफ कोजी, लाइक ये ठीक है, लाइक ऐसे मैं ट्रैवल कर सकती हूँ गाइस, वेरी एक्साइटिंग। वी आर इन जापान, वी आर इन जापान। टेक टू, दिस वॉज नाइस, अ गुड जॉब रश्मि। सो यार पहुंचते से वी गोइंग अ लिटिल मैड क्रेजी बट यस, जापान टोक्यो गाइस, लेट्स गेट दिस क्रेजी एडवेंचर स्टार्टेड। व्हाट आर, क्या कर रही हो जब करने वाले लिटरली आज पहुंची और आज ही शूट करेंगे। हम और रश्मि दोनों काफ़ी टायर्ड है, रश्मि इज लुकिंग समवेयर एल्स, आई एम सडनली सो वाइट इधर भी। तो आज ये प्लान है, तो हाँ अभी देखते हैं, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, कुछ खाया नहीं। इवन रश्मि थर्स्टी लुक, यस हाँ बहुत प्यास है बेचारे, प्यास से बच्चे दोनों। सो हाँ अभी चलो देखते हैं क्या होने वाला आज, शूटिंग विद NHK। Hurry. I know, but he talked in hurry. अच्छा तो अभी आप पहुँचे हैं, तो ये है सुजुकी सान।
नारा हम लोग नारा जा रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ, और हम लेट है और ये प्रोड्यूसर है शो के। मैं हमेशा जब लेट होती हूँ ब्लॉक करती हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा, हम अभी बैठने वाले हैं बुलेट ट्रेन में, जापान का बुलेट ट्रेन जो कि है ये। तो पूरा बैग भी है मेरे साथ यहाँ पर, तो वो भी खींचना है एक हाथ से और एक हाथ से ब्लॉगिंग करना है। यार मुश्किल है ब्लॉगिंग, मैं भूल ही गई कैसे करते हैं। गॉड कितना काम है मेरा, मतलब काम तो हर चीज़ में, पर ये तो सब एक साथ करना पड़ता है, सब वही हमें करना है जिसके भी हम जाएंगे वहाँ। ठीक है, और राइट, लेट मी नॉट मिस माई ट्रेन नाउ प्लीज। तो अभी हम क्योटो स्टेशन पहुंच गए। इंटरेस्टिंगली इस शूट में मेरे साथ एक वेरी स्पेशल लेडी है जो कि है नाओमी सान। हाय। और पता है नाओमी सान का स्पेशल चीज क्या है? उनको हिंदी आती है ना? Yes, जी बिल्कुल। इंडिया को मिस करती है? बहुत करती हूँ। आप इंडिया में कहाँ गई थी? इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न किया अकेली। अकेली? आपका इंडियन फेवरेट डिश कौन सा है? इंडिया पर शाही पनीर है। शाही पनीर। सो नाओमी सान एक्चुअली जापान की है, पर उन्होंने कितने 6 साल के लिए आपने हिंदी पढ़ाई, हिंदी उन्होंने सीखी है, बस हमारे लिए आई है स्पेशली मेरे लिए ट्रांसलेट करने के लिए। तो देखते हैं नाओमी सान आप हमें कितना, मेरी कितनी मदद करेंगी। सो हम लोग इधर जाने वाले हैं, यहाँ पर ये डियर के साथ मैं खेलने वाली हूँ, टाइप्स आई डोंट नो खेलने वाली हूँ पर बहुत कुछ करने वाली हूँ। लेट्स सी ये कैसे होने वाला है। दे लुक सुपर क्यूट बॉम्बी। पहुँच गए हम नारा फाइनली। फ्लाइट के बाद, 2 ट्रेन्स के बाद हम पहुँचे। अभी हम लेंगे टैक्सी, होटल जाएंगे और फिर अपना पहला डे ऑफ शूट चालू। एक्साइटेड, कैसे होने वाला है। पहुंच गए हम होटल, होटल निकोनारा, ये है हमारा होटल। यहाँ पर हम रहेंगे शूटिंग के दौरान। सो यहाँ पर डियर का सारा कुछ कुछ होने वाला है, क्या मैं नहीं बता सकती, बट गोना बी फन। अभी हम अपना बैगेज निकालेंगे, कमरे में जाएंगे, रेडी होंगे और फिर चालू हो जाएंगे। रेडी विथ मेकअप एंड द ड्रेस काइंड ऑफ। बाल थोड़े से मेरे अभी बंद है क्योंकि वो शूट के लिए थोड़े से ठीक हमको करने हैं। थैंक यू। ये हमारे टैक्सी ड्राइवर है, कनिचुआ। हाँ, ये मेरा जैपनीज है। एनीवेज, ये अब रेडी है। अगेन हम वापस लेट है बिकॉज ये मेरी किस्मत है, मैं हमेशा लेट ही रहती हूँ हर चीज़ों में। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप वी कैन मेक इट। सो तोदाई जी टेम्पल पे हम अभी शूट करने जाएंगे और यहाँ पे ये चीज़ बहुत बड़ी फेमस है कि यहाँ बहुत सारे डियर लिटरली ऐसे ही खड़े हैं, चिल कर रहे हैं। लाइक आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज रियली फनी। सब जगह लाइक इट्स देयर एवरीवेयर। मतलब कि हमारे पास जैसे गाय का रहता है ना, यहाँ पर डियर का है। या एक आपको टच भी कर सकते हो उनको। सो एनीवेज आई एम सो स्टंट बिकॉज ठीक है, आवाज़ क्या कर रहा है, ये देखो, खिला भी सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। वेल वी ऑन फॉर सम एडवेंचर गाइस, मैंने बताया था तुम लोगों को ऐसा लाइफ में पहले कभी किया। रश्मि हाउ डू यू फील? डॉजिंग डियर हियर, डॉजिंग पार्क। डियर सब जगह है। क्या हो रहा है? ओ ये है टेम्पल, वेरी वेरी ओल्ड टेम्पल। ऑल्सो प्लीज चेक आउट माई अमेजिंग फैशन लुक, मैं इंडियन पहनी हूँ उसके साथ वेरी वेरी नाइस स्पोर्ट शूज, वेरी नाइस स्पोर्ट शूज। सो वो भी हो रहा है, फुल आंटी लुक। शूट ख़त्म हो गया, सॉरी ज़्यादा और मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज बहुत लेट हो गए थे हम। अभी है यहाँ पे खाने का टाइम,
और यहाँ पर हम ये जापानीज रेस्टोरेंट अभी खाएंगे. आई डोंट नो, मैंने खाया नहीं कभी पहले, तभी हम देखेंगे. लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग दो, स्पेशली द फैक्ट कि उनके यहाँ बाहर ना दे हैव एक्चुअली देयर जो खाना जैसा आएगा ना प्लास्टिक फॉर्मेट में सब जगह बाहर उन्होंने दिखाया. सो ये असली फूड नहीं है. अगर आप क्लोज में जाओगे ना, देखो ये सब असली लग रहा है पर कुछ भी असली नहीं है, सब प्लास्टिक है सब कुछ. तो होपफुली जब हम अभी ऑर्डर करेंगे तो प्लास्टिक नहीं आएगा, असली फूड आएगा होपफुली. तो अभी चलो अंदर चलते. आई थिंक रश्मि इज ऑर्डरिंग राइट नाउ. सो आज के दिन बस इतना ही. अब हमको आ रही है बहुत नींद, बिकॉज आज का दिन बहुत लंबा था. तो कल सुबह 6 बजे वापस उठना है देखो मैं बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि वापस मेकअप शेकअप सब होगा और वापस शूट होगा. गुड नाइट.